पत्थर इकट्ठा कर लेते हैं, इसके बाद फिर कुछ 20 या एक महीना के बाद वो पकड़ने के लिए हमको फिर जंगल से बाघ काटेगा, फिर बाघ को एकदम घेरों करने के लिए उसमें कुछ घोसी तुलसी बांध देगा, मछली ना निकलने के लिए फिर उधर से जंगल का पत्ता नीचे में बांध के फिर उधर में एक छोटा सा एक मछली पकड़ने का एक ट्रैप बनाया, उस ट्रैप को अंदर में ठीक से घेरों करके रखा हुआ है। इसके बाद वो पत्थर जितना उठाएगा मछली इतना ही अंदर में दौड़ते रहेगा, अंत में एक चंदा मिलने से उसी चंदा में पूरा जा रहेगा। इसके बाद उसको माता को फोन करके हम लोग मछली को बाहर ला कर उसका हम लोग ठीक जला के या ट्रे करके या बाम्बू सूट जैसा अगरा वगैरह में डाल के हम लोग ये मछली को खा लेते हैं। तो आज की ये इसमें देखे तो हमारा बोस्टन का और बिहारी का ये सेकेंडरी आया है और इतना मेरा लोग यहाँ आया है उसको इतना देखने के लिए इच्छुक है। और साथ का प्रोग्राम है मेरा ये वुमेन विंग्स का भी प्रेसिडेंट आया है। तो आप सभी को मैं यही धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप जिस तरह हम लोग का इसमें ऐसा गाँव है जहाँ में लोग बहुत कम आते हैं, लेकिन आज का ये मौसम में आज का ये अवसर में आप जो आज यहाँ इस तरह हम लोग का ये बातचीत करने का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमने देखा कि आगे भी गलो बोलूक है और ये गलो बोलूक हम जनरली ऐसा ओकेजन में उसको यूज किया जाता है और शुभ दिन का समय में तो शास्त्र यूज नहीं करता और जब किसी या ऐसा इस तरह का आज का होने से तो हम यूज किया जाता है। ये गलो का एक्सप्रेस में ये जंगल का ये गेम अलग वगैरह में किया जाता है।